दोस्तों, क्या आपको याद है अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जब उत्तराखंड के एक टनल के अंदर हमारे मुल्क के 41 मजदूर फंस गए थे, जिसके बाद तमाम तरीके के इंतजाम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से किए गए कि उन 41 मजदूरों को निकाला जा सके। न जाने क्या क्या साइंटिफिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, न जाने कितने सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, इसके बावजूद वो 41 मजदूर वहाँ से नहीं निकल पा रहे थे। इसके बाद वहां पहुंचे दिल्ली के दो लाल और उन दोनों ने मिलकर के अपनी टीम के साथ जो मेहनत की, जो लगन दिखाई, उसके बाद लगभग 2-3 सप्ताह के बाद उन 41 मजदूरों को इन लोगों ने सिर्फ अपनी इन बाजुओं की हिम्मत से निकाल दिया। यानी कि अपनी बाजुओं की जोर से इन लोगों ने वो मेहनत की, इन लोगों ने टनल की खुदाई कर डाली और उसमें होल क्रिएट किया एक, और उसके बाद ये वो शख्स है और ये वो शख्स है, ये दोनों आप देख रहे हैं। एक का नाम मुन्ना कुरैशी है तो एक का नाम वकील हुसैन है। इन दोनों ने, वकील हसन है, इन दोनों ने मिलकर के इस पूरे, यहाँ आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टनल है, ये टनल पूरी तरीके से गिर गया था, ढह गया था, उसमें 41 मजदूर फंसे हुए थे। इन लोगों ने मिलकर के रेस्क्यू किया और आप देखिए उस वक्त जो न्यूज चल रहा था, टनल रेस्क्यू के हीरो और रैट मैन मुन्ना कुरैशी और हसन ने किया, ने क्या बताया, मौत नाच रही थी उस वक्त, मर भी जाते तो उन लोगों की जान बचाते। ये बात कहने वाले कौन लोग थे? मुन्ना कुरैशी और वकील हसन। इधर देखिए मुन्ना कुरैशी और वकील हसन, जिन्हें मजदूरों ने दिया भगवान का दर्जा, देखिए कि किस तरह से पूरी तरीके से इन्होंने खोद खोद करके एक होल क्रिएट किया। बदले में सरकार ने क्या दिया? ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये दिल्ली में वकील हसन के घर की तस्वीर है और इस घर को देखिए, आपको मैं बताऊं, इस घर का स्ट्रक्चर इस तरह से है। यहां पर 3 घर है, ये बीच वाला घर जो है ये वकील हसन का था और इस घर को डीडीए वालों ने, दिल्ली की जो डीडीए है उसने जो है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी शायद होता है, उसने यहां पर बुलडोजर चला दिया है और इस बीच वाले घर, वकील हसन के घर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। जिन्हें सराखों पर रखना था, जिन्हें न जाने क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए थी गवर्नमेंट को कि उन लोगों ने मिलकर के 41 मजदूरों की जान बचाई, उन्हें बदले में सरकार ने क्या दिया? दिल्ली में उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, उस गरीब मुफलिस व्यक्ति के घर पर जिसने इस देश के 41 लोगों की जान बचाई, लेकिन बदले में मिला ये। और हद तो ये है कि उस वक्त जो वकील हसन है वो घर पर नहीं थे अपने, वकील हसन घर पर नहीं थे, ये कहीं गए हुए थे। वकील हसन जो है अपने ससुराल गए हुए थे अपनी पत्नी के साथ और उस वक्त उनके जो मित्र हैं मुन्ना कुरैशी, क्योंकि यही दोनों मिलकर के वहां गए थे, मुन्ना कुरैशी ने फोन किया कि यार वकील तुम्हारे घर पे तो बुलडोजर चल रहा है। वकील हसन दौड़े दौड़े अपने ससुराल से पहुंचे दिल्ली, अपने आवास पर, अपने घर पर। जब घर पहुंचे तो देखा कि सब कुछ टूटना शुरू हो चुका है। उन्होंने विरोध जताया, वकील हसन और मुन्ना कुरैशी दोनों खड़े हो गए ये कहते हुए कि भाई हमारा घर तो मत तोड़ो, आपने तो हमें कोई नोटिस भी नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद उनके घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू रही और इन दोनों को और इनके परिजनों को उठा करके पुलिस प्रशासन जो है लॉकअप में ले जाकर के उन्हें बंद कर देती है। देर रात 8 बजे के आसपास उन्हें छोड़ती है, तब तक पूरा का पूरा घर ध्वस्त हो गया होता है और यह तस्वीर सामने आती है। सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। मेरा तो यह मानना था कि अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि इनका घर एक अवैध निर्माण था, जैसा कि इनके ऊपर आरोप है कि अवैध निर्माण था, तब भी सरकार को चाहिए थी कि भाई ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने इस देश के लोगों की लाज, कहा जा सकता है देश की सरकार की लाज बचाई, इस देश के लोगों की जान बचाई, इन्हों तो सरकार को इनाम देना चाहिए था, एक बड़ा सा अच्छा सा घर बना करके इन लोगों को देना चाहिए था। लेकिन ये तो नहीं किए, किए तो क्या किए कि जो घर था उसे भी तोड़ दिए। इस पूरे मामले के बाद आपको बताएं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या फिर और बड़े नेता हो, वो तमाम लोग जो हैं गुस्से में हैं और अलग अलग बातें कह रहे हैं। देखिए ये मुन्ना कुरैशी हैं, ये वकील हसन हैं जिनका जो है घर तोड़ा गया। देखिए ये एनडीटीवी पर पुरानी वीडियो है कि किस तरह से इन दोनों के लिए जो है
ये देखिए, ये वकील हसन है, ये मुन्ना कुरैशी है, इन दोनों के लिए कितना सारा जश्न हुआ था, पूरी तरीके से स्वागत। ये मुन्ना कुरैशी थे और वो ये थे, कितने से स्वागत किया गया था इनका। लेकिन लेकिन बदले में क्या मिला इन लोगों को? बदले में मिला ये कि उन्हें जो है उनके घर को तोड़ दिया गया। इस पूरे मामले पर सुनिए वकील हसन की पत्नी क्या कुछ कह रही है, ये सुनिए। ये आप तमाम लोगों को आगे उन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी, इन तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए। और सारा प्लॉट हमारा, ये मेरी नंद बैठी है बड़ी, ये अंदर बैठी हुई थी, अंदर बैठने के बाद भी उन्होंने सारा तोड़ कर सामान, कुछ टूटा हमारा अंदर ही कुछ बाहर, बच्चों के रिजल्ट तक भी नहीं हम निकाल पाए, बच्चों के रिजल्ट भी हमारे अंदर ही सब उसमें रह गए। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे? मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने, सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान दे रहे थे, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास कहाँ है? किसे क्या कहें हम? हमारा तो एक टूटा फूटा घर था, कई बार वीडियो वाले आ चुके हैं, तुम्हें पता है अभी 2 महीने पहले मेरा हस्बैंड वहां गए। दोस्तों इस वीडियो को देखा आपने, और इस वीडियो में जो रुदात थी, जो दर्द था वो आपने देखा कि एक तरफ आपको तो सम्मान, लोग सम्मान दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे कि आपने 41 लोगों की जान बचाई, बदले में क्या ले लिया? मकान, वो टूटी हुई मकान, जिस मकान के अंदर न जाने कितने ही पत्रकार पहुंच गए उस वक्त अपनी TRP को गेन करने के लिए। लेकिन आज आज उनके लबों पे चुप्पी है जब उस मकान को DDA वालों ने तोड़ दिया है। अब सोचिए कि क्या हालात हैं। इस पूरे प्रकरण पर आपने देखा कि किस तरह से ये कह रही हैं कि मोदी जी वैसे तो विकास की बात करते हैं, लेकिन क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है ये देख लीजिए। उनका कहना है कि हमारा विकास कर, असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं कि पिछले साल उत्तरकाशी में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले रैट माइनर वकील हसन के मकान को बुलडोजर से ढा दिया गया। ऑफिशियल DDA ने नोटिस तक नहीं दिया, बुलडोजर तब चलाया गया जब वकील के बच्चे उनके घर पर अकेले थे। वकील और उनके साथियों ने अपनी जान की बाजी लगा करके 41 लोगों की जान बचाई थी। किसी भी सभ्य समाज में उन्हें राष्ट्र नायक का दर्जा दिया जाता है, पर शायद उनका नाम वकील हुसैन है, पर शायद उनका नाम वकील हसन है, इसलिए मोदी राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोजर एनकाउंटर वगैरह मुमकिन है। नो गुड डीड गोज अनपनिश्ड, ये बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वकील हसन नाम होने की वजह से इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है, वरना ऐसे लोगों को तो यकीनन राष्ट्रनायक का दर्जा दिया जाता है, लेकिन बदले में उन्हें उनके घर को तोड़ दिया गया, ये हकीकत है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या हालात हो गए और किस तरह के हालात जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, और सोचिए कि इनके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। हम आपको कुछ और स्टेटमेंट दिखाते हैं आपको इस पूरे प्रकरण पर, जो सामने आ रहा है वो किस तरह से है, ये देखिए। आज तक वालों ने लिखा, अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है ये भी देख लीजिए। अखिलेश यादव लिखते कहते हैं कि जिन्होंने लोगों को बचाकर कई घरों को उजाड़ने से रोका, उनका घर तोड़ना अच्छा नहीं। भाजपा सरकार क्या इसी तरह देती है अच्छे काम का इनाम? दिल्ली में रैट माइनर का घर तोड़ा गया, तो ये हालात हैं। और इन हालात पर सवाल तो लाजिम है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है, ये आप देख सकते हैं। सुधीर चौधरी ने भी ट्वीट किया है, ये कम बड़ी बात नहीं है भैया, कि वो भी लिख रहे हैं, उन्हें भी कभी कभी जो हो जाता है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डिमोलिश द हाउस ऑफ वकील हसन, वन ऑफ द रैट माइनर्स हु सेव 41 वर्कर्स इन द सिल्कियारा टनल इन उत्तरकाशी। और आप इसका वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसे देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि कितनी बुरी तरीके से जो है पूरा का पूरा घर तोड़ दिया गया है। आप देखिए, एक तरफ इधर भी घर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो पूरी तरीके से महफूज है, एक घर आपको इस तरफ है
इधर भी पूरी तरीके से घर महफूज है, बस बीच में जो घर था वकील हसन का उस घर को तोड़ दिया गया और ये पूरी पूरा जो सामान था इनका कुछ सामान को वहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन कागजात वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बच्चे के सर्टिफिकेट्स वगैरह वो सारी चीज़ें उसी में रह गई। उस वक्त तो वकील हसन घर पे थे भी नहीं, उन कुछ महिलाएं थी कुछ बच्चे थी बच्चे थे उन तमाम लोगों की मौजूदगी में जो है ऐसे तोड़ दिया गया। जब तक वकील पहुंचते पहुंचते तब तक वहां पर समझिए एक तरह से कार्रवाई जो है वो हो गई थी। आप देख सकते हैं कि ये बीच वाला मकान था इसे तोड़ दिया गया, लेकिन दाएँ और बाएँ दोनों में मकान है। तो ये अतिक्रमण सिर्फ और सिर्फ ये बीच में वकील हसन ने ऐसा किया था ऐसा समझिए DDA के मुताबिक, और उन लोगों ने जो है वकील हसन के घर को तोड़ दिया है और ये हालात है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ इजहार ख्याल है अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अंततः मैं एक बात यही कहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये कि DDA वालों ने नोटिस नहीं भेजा, यह आरोप है वकील हसन का, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इन लोगों ने वाकयतन अपना घर जो है अब बनाया भी होता तो क्या इस तरह से इनके घर को जो है अब वो तोड़ दिया जाना चाहिए था। आप ट्विटर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हिंदुस्तानी मीडिया को आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ आपको तमाम न्यूज़ पहले मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिल्ली में उत्तराखंड टनल में 41 मजदूरों की जान बचाने वाले राइट माइनर्स के घर माइनर के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि वकील हसन ने बताया कि वह 2012 से सोनिया विहार स्थित 74 वर्ग गज मकान में परिवार के साथ रह रहे हैं। इस मकान की रजिस्ट्री सन 1982 में हो गई है, यानी कि 2012 में इन्होंने खरीदी थी वहाँ, मतलब 2012 से ये यहाँ पर रहते हैं और उससे लगभग 30 साल पहले जो है उसकी रजिस्ट्री हुई। उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ किसी काम से अपने ससुराल गए थे, सुबह 10 बजे के करीब DDA के अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उनका आरोप है कि पुलिस और DDA के कर्मचारियों ने पहले जबरन उनके बच्चों को घर से बाहर निकाला, इसके बाद घर का सामान बाहर निकाल कर फेंकने लगे, मकान को तोड़ दिया। इनके साथ ही मुन्ना कुरैशी ने फोन कर इस घटना की सूचना दी तो तुरंत सोनिया विहार स्थित अपने घर पहुंच गए। उन्होंने मुन्ना के साथ DDA की कार्रवाई का विरोध किया तो पुलिस हम दोनों को पुलिस की गाड़ी में बिठा करके थाने लगे। इस दौरान DDA ने पूरा मकान ध्वस्त कर दिया। रात 8 बजे पुलिस ने हम दोनों को छोड़ा। वकील हसन ने बताया कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ टूटे मकान के बाहर ही अनशन पर बैठ गया। अब सवाल ये उठता है इस पूरे प्रकरण में कौन किसकी गलती है, ये तो एक अलग विषय है, लेकिन क्या वकील हसन के घर को तोड़ना चाहिए था, और अगर तोड़ा गया तो इस तरह से तोड़ना चाहिए था, अगर अतिक्रमण था भी तो क्या ये तरीका था कि आप नोटिस नहीं देंगे। और आपको नहीं लगता है कि ऐसे इंसानों को तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि एक बहुत अच्छा सा मकान देते, उनके हालात बेहतरीन किए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद वजह वही है जो असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि इनका नाम वकील हसन है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेशकश के साथ।